सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट मोचन महाबली हनुमान, जिनका नाम मात्र लेने से भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वो श्री राम के सबसे बड़े भक्त है और समय के अंत तक इस धरती पर धर्म के रक्षक भी। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश कहा जाता है। अगर हम आपसे ये कहे कि एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था और हनुमान जी जन्म से भी पहले श्री राम जी से जुड़े हुए थे, तो आपको कैसा लगेगा? हनुमान जी से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी शिव जी के अवतार है, लेकिन अगर हम आपसे ये कहे कि एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तो पद्म पुराण के पाताल कांड के अनुसार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान अश्व को छोड़ दिया गया, जो दौड़ते दौड़ते राजा वीरमणि के नगर जा पहुंचा, लेकिन वहां उसे पकड़ लिया गया। अगर यज्ञ के घोड़े को कोई रोक ले तो उससे युद्ध करने का नियम था। राजा शत्रुघ्न ने उस घोड़े को छुड़ाने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। वही दूसरी तरफ वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और इसलिए उन्होंने इस युद्ध को जीतने के लिए शिव जी से मदद मांगी। शिव जी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक श्री राम खुद युद्ध करने ना आ जाए, क्योंकि शिव जी भगवान राम के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिव जी ने वीरभद्र का रूप ले लिया और युद्ध भूमि में आ गए। एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें भरत जी के बेटे पुष्कल की मृत्यु हो गई और शत्रुघ्न जी बेहोश हो गए। तब श्री राम की सेना को हारते हुए देख हनुमान जी स्वयं युद्ध भूमि में आए। उन्होंने एक बड़े से पत्थर से शिव जी के रथ के टुकड़े कर दिए और फिर पत्थर से शिव जी के सीने पर वार किया। इस वार के जवाब में शिव जी ने अपने त्रिशूल को तेजी से हनुमान जी पर चलाया। हनुमान जी ने त्रिशूल को अपने हाथों में लेकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद शिव जी ने हनुमान जी पर शक्ति से प्रहार किया। ये शक्ति हनुमान जी के सीने में जाकर लगी और उनका संतुलन बिगड़ गया। क्रोध में आकर उन्होंने पलटकर एक बड़े से पेड़ से शिव जी पर वार किया। शिव जी के गले में बंधे सर्प डर कर पाताल लोक में चले गए। शिव जी ने हनुमान जी को चेतावनी दी कि अब वे उनका संहार करके रहेंगे, और फिर शिव जी ने हनुमान जी पर एक लोहे के मूसल से वार किया। हनुमान जी ने तब विष्णु जी का ध्यान किया और तेजी से उस मूसल के वार को टाल दिया। हनुमान जी बहुत क्रोध में थे। उन्होंने शिव जी पर पेड़ों और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। ये युद्ध एक लंबे समय तक चलता रहा और अंत में हनुमान जी की विजय हुई। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। इस युग में भी हमें कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच है। लेकिन हनुमान जी का संबंध सिर्फ त्रेता युग की रामायण या कलयुग से नहीं है, बल्कि द्वापर युग की महाभारत से भी है। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाभारत की कहानी के हिसाब से हनुमान जी ने अर्जुन को ये वरदान दिया था कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की सहायता करेंगे। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगे झंडे पर विराजमान हो गए और युद्ध के अंत तक उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। युद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही अर्जुन अपने रथ से उतरे, श्री कृष्ण ने हनुमान जी का आभार प्रकट किया। हनुमान जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर वहां से प्रस्थान किया। जैसे ही हनुमान जी वहां से गए, अर्जुन का रथ जलकर राख हो गया। ये देखकर अर्जुन चकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि पूरे युद्ध में हनुमान जी उनकी और उनके रथ की रक्षा कर रहे थे, जिसके बिना पांडवों का इस युद्ध में जीतना संभव नहीं था। आज हमारे बीच रामायण के कई वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। हर दिशा में रामायण की अलग अलग कहानियां प्रचलित है, जिनमें से सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा फेमस है वाल्मीकि रामायण, जो ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण सबसे पहली रामायण नहीं थी, बल्कि उनसे भी पहले हनुमान जी ने रामायण का अपना वर्जन लिखा था, जो कि हनुमद रामायण के नाम से जानी जाती है। कुछ कहानियों के हिसाब से जब ऋषि वाल्मीकि रामायण की कथा पूरी करने के बाद हनुमान जी के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने हिमालय के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से रामायण का अपना वर्जन लिखा हुआ है। ये देखकर ऋषि वाल्मीकि दुखी हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हनुमान जी की रामायण दुनिया के सामने आ गई तो उनकी रामायण का अस्तित्व कम हो जाएगा। जब हनुमान जी को ऋषि मुनि के दुख का कारण पता चला, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी लिखी हुई रामायण को नष्ट कर दिया और रामायण का ये वर्जन हमेशा के लिए गायब हो गया।
तो ये थी हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। अगर आप हनुमान जी या रामायण से जुड़ी और ऐसी लेसर नोन कहानियों में इंटरेस्टेड है तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू राज फॉर मोर अनकही अनदेखी और अनसुनी कहानियां।